विवादों से रहा मोहन यादव का गहरा नाता, जानिए मध्य प्रदेश के नए सीएम का राजनीतिक सफरनामा। उज्जैन दक्षिण से भाजपा विधायक मोहन यादव को भाजपा ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में नामित कर दिया है। बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव को मंत्री पद तक पहुंचने के लिए 41 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा था। यादव ने माधव विज्ञान महाविद्यालय से छात्र सियासत की शुरुआत की थी। भाजपा में कई पदों पर रहने के बाद सरकार ने उन्हें मंत्री बनाने का मौका मिला था। 1982 में वे माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव और 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। 1965 को उज्जैन में पूनम चंद यादव के घर जन्मे मोहन यादव ने पढ़ाई के चलते ही राजनीति में कदम रख लिए थे। वे एमए पीएचडी है। उनकी शादी सीमा यादव से हुई है तथा उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी है। मोहन यादव का विवादित बयानों से लंबा नाता रहा है। ये वे कारण है कि वह मीडिया से हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। चुनाव आयोग ने उपचुनाव 2020 में असियमित भाषा का इस्तेमाल करने के लिए 1 दिन के लिए प्रचार करने से प्रतिबंधित लगा दिया था। उन्होंने माधव विज्ञान महाविद्यालय से पढ़ाई की है। वो अखिल भारतीय विद्या परिषद उज्जैन के नगर मंत्री रहे हैं। 1982 में उन्हें छात्र संघ का सह सचिव चुना गया। भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य और सी अस्था मध्य प्रदेश के केंद्रीय समिति के सदस्य रहे। मध्य प्रदेश विकास प्राधिकरण के प्रमुख, पश्चिम रेलवे बोर्ड के सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के लिए 2 बार 2013 और 2018 में निर्वाचित हो चुके हैं। 2 जुलाई 2020 को उन्होंने श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर शिवराज सरकार के उज्जैन शिक्षा मंत्री मोहन यादव पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस का आरोप था कि मंत्री और उनके परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास किया गया है। लेकिन यादव ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मोहन यादव ने माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया था। मंत्री ने कहा था कि मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। उन्होंने वन में बच्चे को जन्म दिया, कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रही। आज के दौर में यह जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है।